तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ घंडियाल जनतंत्र कॉलेज में। तो आज का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज हम यहीं पर मनाने वाले हैं और इस घंडियाल वाली रोड का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये बहुत ही मजबूत हेलमेट है, 4000 रुपये इसकी कीमत है और इसके अंदर आप गाने भी सुन सकते हो और इसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, है ना। चमक रहा है इधर हमारा घर संजय। और अच्छी बात है ना, इसकी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड है, यहाँ से लेके और ऊपर जो ग्वाड़ का पुल है वहाँ तक लाइट लगने वाली है। अब देखते हैं कितनी लगती है और कैसा लगता है उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पे और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह के टाइम से। और आज है 26 जनवरी 2024 अपना गणतंत्र दिवस और 75वां गणतंत्र दिवस है ये। और साथ में भाई बहुत ही नवाज़ दाढ़ी मुझके साथ दिखाई दे रहे हैं, देखो। हेलो। तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, करीब एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं और अभी हम रुके हुए हैं अज्जू के लिए देवभूमि होटल के आसपास। और वो लेना गया है ड्रोन और कैमरा। आ गया आ गया। तो पहले जो सारे बच्चे थे यहाँ आते थे ग्राउंड में, अभी लग रहा है साल नहीं आ रहे हैं। तो अंकित भाई के हाथ में तिरंगा लहरा दे भाई, तिरंगा बधाई है आपको। बधाई है आपको भी। और यहाँ पे राहुल भाई जो अपने काम पे लगे, भाई सबसे बड़ा काम करते सफाई कर्मी हमारे भाई लोग। राहुल भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, काम पे। धन्यवाद धन्यवाद यार भाई, धन्यवाद। ये लग रहा है भाई सही। और अचार के आगे बड़ा सा तिरंगा भाई, अपना देश अपने अपना जो शान है ना तिरंगा। तो अभी हम ब्लॉक वाली रोड से, तो यहीं पे जो है शहीदों का स्मारक भी है, तो आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। वहाँ पे जो है हमारे जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है और जो उनके सम्मान के लिए यहाँ पे झंडा आरोहण होना है। और तो दिखाते हैं आपको। और ये हमारे बिल्कुल बहुत ही जाने माने पत्रकार और आने वाले समय में पत्रकारी करें। नेता ना पत्रकारी नेता नहीं पत्रकार बंधु आपका सहयोग पूरे बिल्कुल। और क्या शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण
मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अपने पूर्व जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं चाहे कारगिल शहीद हों चाहे जिन्होंने श्रीलंका में अपना प्राण निछावर किए उनका समान पट बना हुआ है और हम उनको श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं यहाँ पर। आने वाले समय में हम इसको और भी भव्य बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग जब भी सभी लोग साहिबान लोग यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय उत्तराखंड भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम धन्यवाद। तो राष्ट्रगान होने के बाद और लड्डू दे एडवी कहां लड्डू पहुंचाने मीडिया साहब आ जाओ धन्यवाद बाहर में एक बार बाहर में भी हां ले ले एक एक ले बाहर लो ना उसको सोच तो दिया एक एक कोटा मुजाक पूरा और टिक 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 हेलो ये मत पूरा हल नहीं हो तो दोस्त अभी मैं पहुंच चुका हूं घंडियाल जनतंत्र कॉलेज में। तो आज का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज हम यहीं पर मनाने वाले हैं और इस घंडियाल वाली रोड का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। तो अच्छे से बनने वाली है रोड अच्छी बात है यहाँ के लिए और बाकी दिखाते हैं आपको क्या क्या कार्यक्रम होने कार्यक्रम यहाँ पे होने आपको दिखाते हैं ठीक है। 12 बजने को हैं और कुछ देर बाद यहाँ पे विधायक साहब पहुँचने वाले हैं और इस रोड का उद्घाटन आज हो जाएगा और सभी जो ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं तो वो जाऊँगी कुछ देर बाद है ना 26 जनवरी। तो अच्छा काम हो रहा है और यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी बन जा रही है इसके बाद है क्योंकि हम काफ़ी बार यहाँ से ट्रेवल कर चुके हैं जब से बनी है रोड तब से मेरे ख्याल से कि बार यहाँ पर डामर हुआ है ना तो दूसरी बार होगा और पक्का होगा इस बार। तो क्या रहेगा 18 करोड़ के आसपास जो है रोड का बजट आया हुआ है तो अच्छी बन जाएगी मेहरगाँव तक उनके लिए सहूलियत हो जाएगी जो मेहरगाँव लास्ट रहते हैं ना जहाँ पर रोड बहुत ख़राब है वो भी सही हो जाएगी। और ये रोड बनेगी कहाँ से रिखोली से ना ग्वाड़ खलधार के यहाँ पे से यहाँ तक हाँ खलधार के यहाँ पे से आगे रोड तो बन जाएगी डामर लग जाएगा इस पर। भाई साहब जो है ना इतना क्रेज है वीडियो बनाने का कि मुंह नहीं धो रहा भाई ने सीरियसली मैंने सुबह से आप लोग यकीन नहीं करोगे ना मुंह धोकर ना पेस्ट कर रखा है। तो कुछ देर बाद यहाँ स्कूल में विधायक साहब आ जाने वाले हैं तो वहीं चलते हैं बाहर उनका स्वागत करके आते हैं और रोड का उद्घाटन आज अच्छा लग रहा है तो चलते हैं। विधायक साहब पहुंच चुके हैं भाई मेरा ड्रोन तो यहाँ पे चले हैं उद्घाटन आज होने वाला है रोड के लिए अभी रोड कैला जो है ठीक हो जाएगी इसके बाद। तो ये बना है विधान सत्र और ये जेसीबी जो काम करने वाला है रोड का स्वागतम स्वागतम
थोड़े बहुत प्रोत्साहन दिया है तो मैं उनके नाम आप लोगों के समक्ष कहूँगा। धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा देवी फनियाल जी ये प्रधान हैं, 1 kg मिठाई और 500 रुपया इन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए दिया। श्रीमती चंद्रा देवी सामाजिक कार्यकर्ता प्रखंड 100 रुपया, 1 kg मिठाई श्री हरसिहार सिंह को पीटीए अध्यक्ष कुल प्रधान है। श्री रमेश कन्याली जी सामाजिक कार्यकर्ता 100 रुपये, श्री कंत सिंह कन्याली जी लोडिया तारा 50 रुपये, रंजीत सिंह सिलकोटी बजड़े साहब 50 रुपये, श्रीमती भागा देवी लहरगांव 50 रुपये, जशोदा देवी 50 रुपये, शांति देवी लोडिया तारा 50 रुपये, बिमला देवी लोडिया तारा 500 रुपये, श्रीमती मीना देवी यहाँ के प्रधान। तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक जोरदार ताली देंगे आप 11 दिन के आवरण हम सब तक एब्सेंट में, क्योंकि हमें याद है कि आप मैं क्षेत्र का जो भी कार्यक्रम हुआ है आप सब लोगों के प्रयासों से और एक हमारे आंदोलनकारी थे 11 दिन का आपने आवरण अनशन किया था तो आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी के हाथ। लेकिन देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं था, तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं और वह 25 भागों में विभाजित है। आपके लिए प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? सही जवाब 470। अंत में मैं कहना चाहूंगी देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप न जाने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विद्यालय परिवार आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने कुछ चीजें बताई हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। पिछली बार हमने 2 लाख रुपए की घोषणा करी थी विद्यालय को फर्नीचर के लिए, वो पैसा बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी आपको फर्नीचर वगैरह की आवश्यकता जो भी होगी उसका आप लेंगे, आने वाले समय में जो भी विद्यालय की आवश्यकता होगी आप हमको बताएंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार पुनः मैं विद्यालय परिवार के साथ क्षेत्र की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय भारत। उन्होंने जगह देखनी है और आपको बधाइयाँ देते हुए आपको 5 लाख रुपए फील्ड के लिए मैंने दे दिया है। धन्यवाद। तो कुल मिला के आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है और घंजाल वालों के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए रोड पहुंचने वाले सही सलामत। तो अभी हम पहुंचे गडोली में जहाँ पे राहुल भाई की नई शॉप खुली है। अभी शॉप का कुछ नाम तो नहीं है वैसे, और आप जल्दी रखेंगे शॉप का नाम भी और सामान जो है कहाँ दिख रहा है लाल रंग का। तो ये नया हेलमेट रहा है राहुल भाई का, पीछे तो मेरे से खास कहते थे यहाँ से लाइट निकली इसके ऊपर रेड कलर की लाइट है, ब्लूटूथ वाला है। हाँ तो बताइए पहले तो दुकान के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिठाई उस दिन आप आए नहीं थे जिस दिन ओपनिंग हुई थी, तो बुक्स पैक्स बुक्स पैक्स मिठाई खाइए ना आप। खाओ ना, बनाओ मिठाई, बहुत वीडियो बनाता हूं सर। मिठाई, ओह माय गॉड, माय गॉड, द मिठाईज, द मिठाई, वाओ, द मिठाई, द मिठाई, ये होली मिठाई भाई। और हमारे राहुल भाई ना हमें मिठाई के रूप में हमारा मुंह मीठा करने के लिए क्रीम रोल दिया है मैं, या हम इसको खाएंगे यहाँ खर्च खुर्च के। सो गाइज, जब भी आप हेलमेट लेंगे हेलमेट तो एक बेहतरीन क्वालिटी का लें और जिसमें सब फीचर हो वो वाला लें, जैसे कि मैंने दे रखा है। इसमें आपको हर एक फीचर मिलेंगे। और मैं भी कुछ कहूँगा, कुछ क्या कहूँगा, सेफ्टी फर्स्ट यार, सेफ्टी फर्स्ट। ये जो है ये स्टील बर्ड का प्लस में हेड फॉक्स की ब्रांडिंग लगी है इस पर, ये देख सकते हो। तो ये बहुत ही मजबूत हेलमेट है, 4000 रुपये इसकी कीमत है और इसके अंदर आप गाने भी सुन सकते हो। और इसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, है ना। और जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते आपका फ़ोन जेब में है, आप इसको कमांड दोगे कि कॉल मम्मी, तो ये मम्मी को कॉल करके आपको आवाज़ सुनाई देगी। मतलब ऐसे हाथ पर पकड़ना नहीं पड़ेगा आपको, या तो कई लोग क्या करते हैं हेलमेट को घुसा देते हैं ऐसे फ़ोन। तो अभी जैसे नीचे से आ रहे थे गडोले से होते हुए राहुल भाई से मिलके, यार लाइटें लग रही है मस्त वाली यार, मसूरी बन रहा है ये देखो, मस्त लाइट लग रही है तो यहाँ के लिए तो नहीं, हाँ मस्त लग रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त।
काफी अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है तो पूरा जब लगेगा ना। हाँ, तब बड़ी अच्छा बड़ी मेहनत की है इस चीज के लिए। हाँ, कौन सा चैनल है अपना? गैसन वाला। गैसन वाला चेक करा। अच्छा, दिखाओ बस। सॉलिड है भाई, सॉलिड। तो यहाँ पे इसी चीज को दिखाने के लिए अच्छी बात है भाई, चमक रहा है इधर हमारा गैसन भी। और अच्छी बात है ना, इसकी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड है। तो ये सेशन है 2024 वाला, और इस लाइट को ऑर्गेनाइज करना पूरा, मतलब ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, सेटअप करवा रहे हैं, ये हो रहा है हमारे ये सर के कार्यकाल में। ऊपर जो ग्वार का पुल है वहाँ तक लाइटें लगने वाली है, अब देखते हैं कितनी लगती है और कैसा लगता है उसके बाद। तो सर आप बताइए पहले तो। अरे सर, सर सर धन्यवाद आपका, आपके कार्यकाल में ऐसे काम हो रहा है। नहीं नहीं सर, सर अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। जी जी, वो वाली लाइटें लगी हैं सौर ऊर्जा वाली, उसका भी अवलोकन करें। 255 लाइटें लगी हैं पूरे गांव में लगी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो यहाँ वैसी बिजली वाली लाइट है और उसकी अपेक्षा वो उनकी रोशनी देख रहे होंगे आप, तो ज़्यादा है, ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। हाँ, और इसमें भी वो प्रोडक्ट LED वाली ही जी जी है ना। चलो अच्छी बात है, और चमकने वाला शहर। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर में और अभी हो रहा है आराम। तो आज बहुत धूल खाई है कसम से, मज़ा आ गया। तो बाकी ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो शेयर कर देना। बाकी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।